केदारनाथ में खुदाई के दौरान मिला 5000 साल पुराना शिवलिंग। उत्तराखंड के केदारनाथ में शिव मंदिर के दर्शन करना हर हिंदू का सपना होता है। वहां का मंदिर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। केदारनाथ से जुड़ी आपको ऐसी घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये घटना है करीबन 50 साल पुरानी, जब केदारनाथ का फिर से पूर्ण निर्माण होने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात को केदारनाथ के पंडित के सपने में स्वयं महादेव आते हैं कि वो चाहते हैं कि केदारनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण हो, यहाँ के सभी रास्ते फिर से बने, जिससे दूर दूर से आने वाली सभी श्रद्धालुओं की दिक्कत खत्म हो। उस समय महादेव के एक बहुत बड़े भक्त पंकज को बस दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके साथ कई लोग भी उस दुर्घटना में शामिल थे। माना जाता है कि पंकज करीब एक महीने अन्न जल त्याग कर महादेव की आराधना कर रहा था और वो अपना उपवास तोड़ने के लिए केदारनाथ आ रहा था, क्योंकि वो केदारनाथ के प्रसाद से अपना व्रत तोड़ने वाला था। बस हादसे में उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह सिर्फ केदारनाथ की खराब रोड थी। सभी का मानना था कि उस बस में जिस आदमी की मौत हुई थी वो एक बहुत बड़ा केदारनाथ का भक्त था। उसके खत्म होने के बाद उसकी बीवी ने कसम खा लिया था कभी महादेव के मंदिर में कदम नहीं रखेगी। पंडित सपने से अचानक उठता है और अगले ही दिन सरकार को नोटिस भेज देता है कि वो पूरे केदारनाथ का पूर्ण निर्माण करना चाहते हैं और उसमें उन्हें उनकी मदद चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बाद केदारनाथ का पूर्ण निर्माण का काम शुरू हो जाता है। एक एक करके पूरा केदारनाथ बदलने को तैयार था। कुछ चीजों का नया रूप से निर्माण भी हो गया था, जो बहुत ही अद्भुत था। फिर केदारनाथ मंदिर के मरम्मत की बारी आती है। केदारनाथ में खुदाई चल रही थी। माना जाता है कि मंदिर के अंदर कई सोने चांदी होंगे, इसलिए सबकी जांच के लिए पहले से ही एक विशेषज्ञों के समूह को बुलाया गया था। जब वे जमीन में गहराई में खोदने लगे तो उन्हें एक बड़े पत्थर की संरचना मिली जो एक प्राचीन मंदिर की तरह दिखता था। जब उन्होंने इसे अधिक गहराई तक खोदा तो उन्हें एक विशाल शिवलिंग मिला, 5000 साल पुराना था। खुदाई विशेषज्ञों की इस शिवलिंग की खोज एक बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करने लगा। केदारनाथ मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के बीच उनके द्वारा खोजे जाने वाले वस्तुओं के लिए गहरा आदर था। शिवलिंग की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसे ध्यान से संभाल कर उठाया गया और मंदिर में स्थापित किया गया। जब शिवलिंग की खोज हुई तो खुदाई विशेषज्ञों को इसके बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुकता हुई। वे शिवलिंग को विशेष रूप से ध्यान से देखने लगे और उसके आकार, रंग और बनावट के बारे में समझने का प्रयास करने लगे। वे शिवलिंग के बारे में जितना जानते गए उतना ही उन्हें उसमें रहस्यमय चीजों का पता चलता गया। शिवलिंग की अद्भुत आकार और सुंदरता को देखते हुए खुदाई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह शिवलिंग करीबन 5000 वर्ष पुराना हो सकता है। यह उनके अध्ययन के आधार पर स्पष्ट हुआ कि यह शिवलिंग वेदों के युग से भी पुराना हो सकता है। शिवलिंग की खोज से खुश होकर मंदिर के पंडितों ने शिवलिंग को एक अनमोल शिवलिंग का महत्व दे उसको मूल जगह पर स्थापित करने का फैसला लिया। यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण था। इस शिवलिंग की उपस्थिति न केवल मंदिर के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में जब वो आदमी जिसकी बस दुर्घटना में मौत हुई थी पत्नी केदारनाथ के पंडित का इंटरव्यू सुनती है कि केदारनाथ मंदिर में रोड का और मंदिर के नया निर्माण क्यों हुआ था और केदारनाथ की पूरे नए रोड का निर्माण इसलिए किया गया कि जो घटना उसके पति के साथ हुई वो और किसी के साथ ना हो। ये सब सुनने के बाद उसका मन नहीं मानता और वो केदारनाथ अपने बच्चों के साथ जाती है और महादेव से माफी मांगती है कि उसने इतने लंबे समय तक उनसे उनके बच्चों को दूर रखा और उसके बाद उन्होंने महादेव को जल और दूध चढ़ाया और महादेव को 56 भोग चढ़ाए और गरीबों को खाना खिलाया और फिर से केदारनाथ आने लगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।